कलवटे वाली तेरा वचन न जाए खाली। हाय एंड वेलकम टू कॉमेडी सर्कस 2020। आप सोच रहे होंगे कि आज ये कॉमेडी सर्कस एक ग्रेवयार्ड में, आज की हमारी थीम ही हॉरर है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब इस सर्कस की कब्रें खुलेंगी, कॉमेडी के कंकाल बोलेंगे, कुछ भूत पिशाच मार्क्स देंगे और मैं ये खूनी तमाशा देखूंगी। इससे पहले कि हम आपको हमारी भूतों की टोली से मिलवाएं, प्लीज वेलकम आर एम्पायर्स, सीरियल लेडी किलर्स अजय जडेजा एंड शेखर सुमन। और जोरदार तालियां हमारी हॉरर जोड़ियों के लिए। अंधेरी रात में सी ग्रेड हॉरर फिल्म की ऊंची हीरोइन से एक बौना भूत मिलने आया। जब देनी चाही बौने राजा ने हीरोइन निगार की बलि, तो मची कैसी हलबली, आइए देखते हैं। प्रेजेंटिंग राजा निगार। सैड बोरिंग सॉन्ग बजा रहे हो? अरे राम से फिल्म्स की हीरोइन हूं मैं, मुझे जरा गौर से देखो और कुछ ढंग का बजाओ। हूं डरावने तो मेरे फिल्म के हीरो होते हैं। तू यहाँ क्यों आया? बर्गर खाने। अरे तेरा खून पीने आया हूँ। मरा क्यों? अबे ये भी कोई तेरा टाइम है आने का? अरे भूतों को तभी आना चाहिए जब हीरोइन या तो सो रही है या तो नहा रही है। अब ये भूतों का टाइम टेबल किसने रख दिया? मेरे प्रोड्यूसर ने। वो भूतों को तभी भेजता है जब या तो मैं सो रही होती हूँ या तो नहा रही होती हूँ। तो वो कब होता है? मैं फिल्मी भूत नहीं हूँ, मैं असली भूत हूँ, तेरा खून पी जाऊंगा। अच्छा कैसे पिएगा? इमरान हाशमी की तरह। अरे तेरी गर्दन में दांत मार के पीऊंगा और कैसे पीऊंगा? अबे मेरे घुटने तक तो पहुंच नहीं पा रहा है, मेरे गर्दन तक कैसे पहुंचेगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार। मारा क्यों? अब क्यों मारा? क्योंकि तूने बिल्कुल मेरे प्रोड्यूसर जैसी हरकत की, वो भी बिना सोचे समझे मुझसे कोई भी सीन करवा लेता है। अब देखो बातें बहुत होगी, अब जल्दी से लेट जाओ प्लीज। अब क्यों मारा? देख मैं सिर्फ गुड लुकिंग भूतों के साथ बैड सीन करती हूँ। मुझे बैड सीन नहीं खाना, मैं तुम्हें इसलिए लटाने की बात कर रहा हूँ कि मैं तेरा खून पी के बलि दे सकूं और मेरी मन्नत पूरी हो सके। अच्छा क्या मन्नत है तेरी? मैं भूतों का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। यार आजकल प्रेसिडेंट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, तू एक काम कर, तू फिल्मों में काम क्यों नहीं कर लेता? यार मुझे काम देगा कौन, मुझे एक्टिंग नहीं आती। लो दीनू मोरिया को आती है क्या? मुझे डांस भी नहीं आता है। सन्नी को आता है क्या? मेरी आवाज बहुत छोटी है। एक मिनट दिखा, राजपाल यादव जितनी है ना?
मेरे सिक्स पैक भी नहीं है। यार, ये कितनी कमियां निकाल रहा है, भूत है आमिर खान। आमिर का नाम मत लेना मेरे सामने, उसने मेरे साथ बहुत बार धोखा किया है। कहता मैं तुम्हें तारे जमीन पे मेन रोल दूंगा, दे दिया दर्शील को ज्यादा लंबाई की वजह से। हाँ वो तो तेरे से थोड़ा लंबा होगा ना। अरे इसकी लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दांतों की लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं। बेचारा, मुझे तुझसे बहुत सिंपैथी है। तो फिर बलि देने के लिए तैयार हो जाओ। ए, सुन, मेरा मरने का कोई मूड नहीं है, समझा क्या? अगर तू बलि देने के लिए इतना ही उतावला हो रहा है तो एक काम कर यार, इसी बलि चढ़ा दे। अरे नहीं, इसके रगों में तो मेरा खून दौड़ रहा है। क्या बकरे है। अरे सच्चा रहा हूँ यार, पिछली अमावस की रात को मैं इसको उठा के लेके आ गया है, इसका खून चूसने की बहुत कोशिश की लेकिन ये बेहोश होगी, एक बूंद खून नहीं मिला, पता है। तो खून की बोतलें अपनी देनी पड़ी इसको। चल दूसरा आइडिया मेरे पास। कौन सा? वो राजवीर की बलि दे दे। नहीं यार नहीं, उसके उसके पास जाने में मुझे डर लगता है, पता है उसका पार्टनर कामली है ना। हाँ? है? उसकी फोटो दिखा दिखा के तो हम अपने बच्चे डराते हैं। तू कितना बोरिंग भूत है। अरे भूत तो हमारे फिल्मों में होते हैं, इतने इंटरेस्टिंग। ओए, हाँ? मैंने सुना है हाल ही में अजय जडेजा और विनोद कामली की एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई है। तुझे किसने बताया कि वो हॉरर फिल्म थी? अरे बताना किसने यार, जो फिल्म देख के आ रहे थे उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। झूठ बोलता है, वो फिल्म देखने कौन गया था? अरे वो फिल्म तो विनोद कामली और अजय जडेजा ने भी नहीं देखी। अरे मैं सच कह रहा हूँ यार, नहीं यकीन होगा, श्रुति से पूछ लो यार, ये भी तो गई थी, तभी इतनी सफेद है। अरे तुम्हें नहीं पता, मैं उसको बुलाता हूँ, इधर आ। Vampires, कैसी लगी आपको ये भूतिया मुलाकात? First of all, I would like to clap for the writers whoever has written for amazing content. और बहुत जबरदस्त character आपने पकड़ा है राजा, and it is so refreshing to see you like this in a new avatar. आप दोनों ने ही इतना सुलझा हुआ काम किया है, बहुत बढ़िया निगार, you were so good and so were you राजा. Thank you so much. Fantastic. और मैं डर डर के भी चाहूं तो आपको सिर्फ 10 ही दे। 10 पॉइंट। अजय, राजा, यू आर अनबिलीवेबल। आई थिंक भूत डराने के लिए होते हैं, आपने डराया भी और हंसाया भी, और वो बहुत रेयर क्वालिटी होती है किसी आदमी में। अगर मेरे पास 10 से ज्यादा मार्क्स दे सकता तो मैं शायद आपको 10 से ज्यादा देता, लेकिन इस वक्त मैं बेबस। भूतों के बारे में वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए चलिए ट्यून करते हैं रजत वर्मा की आपकी अदालत में, जहां वो ले रहे हैं एक भूतनी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्रेजेंटिंग रोशनी एंड कुलदीप। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा, ये मेरे बाप की अदालत है, इसलिए मेरे बाप की अदालत में आपका स्वागत है। आज हम आपको भूतों की दुनिया की एक ऐसी जानी मानी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनका नाम है प्रियंका सेन। जी हाँ, भूत वर्ल्ड की मिस वर्ल्ड और एक सुपर मॉडल, अदालत में हाजिर हो रही है प्रियंका सेन भूतनी। आपको अदालत में हाजिर होने के लिए कहा गया है, कैटवॉक करने के लिए नहीं। मैं सुपर मॉडल हूँ, हम ऐसे ही चलते हैं। लेकिन आपने इतना मेकअप क्यों किया हुआ है? लोगों को डराने के लिए। आपको नहीं लगता कि अगर आप ये नहीं करती तो लोग ज्यादा डरते? बहरहाल, बाप की अदालत में आपका स्वागत है,
इस अदालत में जजेस के सामने आप पर मुकदमा चलाया जाएगा, आरोप लगाए जाएंगे। सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि आप भूतनी कैसे बनी? बचपन से तो मैं एक हीरोइन बनना चाहती थी और बन भूतनी गई। देखिए, मैं तो दिल्ली में रहने वाली एक सीधी सादी और शरीफ लड़की थी, फिर मैं मुंबई आ गई एक हीरोइन बनने। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? अगर आप हीरोइन बनने आई थी तो शरीफ लड़की क्यों थी, और शरीफ थी तो हीरोइन बनने क्यों आई थी? ये आप मुझे ये बताइए कि फिर उसके बाद आपने क्या किया? जी, मैं दिल्ली से मुंबई आ गई हीरोइन बनने, और जिस भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मैं मिली उसने मुझसे उसने आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा? नहीं, वो तो मैं करने के लिए पहले से ही तैयार थी, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और हो गई। जब आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थी तो फिर क्या प्रॉब्लम हो गई? जब मेल डायरेक्टर आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहता है तो ठीक है, लेकिन जब फीमेल डायरेक्टर आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहती है तो कैसा लगेगा? मतलब आपने फीमेल डायरेक्टर को प्रोड्यूसर्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मना कर दिया? जी नहीं, मैं उसके लिए भी तैयार थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरी समझ में नहीं आया मैं करूं क्या। फिर उसके बाद आपने क्या किया? देखिए, उसके बाद मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में आ गई और सीरियल्स में मैंने ट्राई किया जी। काफी जगह ऑडिशन देने गई, फिर मैं लाला जी टेलीफिल्म्स में पहुंच गई और वहां मुझे अपने टैलेंट के दम पर काम मिला, और फिर इतना काम करवाया कि टैलेंट और दम दोनों निकल गए। तो आप ये बताइए, सवाल ये था कि आप मनी कैसे? प्रोड्यूसर्स के अत्याचारों से मैं तंग आ गई थी, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सुसाइड कर लूंगी। तो दर्शकों को बताइए कि आपने सुसाइड कैसे किया, आत्महत्या का कौन सा तरीका आपको पसंद आया? पहले मैंने सोचा कि मैं 13वें माले से जंप मार लूंगी जी। लेकिन उसमें तो शक्ल सूरत बिगड़ जाती जी। तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं पंखे से लटक कर अपने आप को फांसी पे चढ़ा लूंगी, लेकिन उसके लिए पंखा बंद करना पड़ता और मुंबई में तो इतनी गर्मी है। आप इतनी कंफ्यूज क्यों थी कि आप पहली बार मर रही थी? तो फाइनली दर्शकों को ये बताइए, आपने आत्महत्या का कौन सा तरीका अपनाया जो आपको पसंद आया? मैंने बहुत सारी नींद की गोलियां ले ली और सोते सोते मैं कब मर गई मुझे पता ही नहीं चला। ये थी भूतनी प्रियंका सेन, जो सोते सोते कब मर गई इन्हें पता ही नहीं चला। हालांकि सोते सोते कुछ भी हो जाता है, पता नहीं चलता। बहरहाल, आप पर आरोप है आप लोगों को डराती हैं, आखिर कौन कौन सी हथकंडे हैं जो आप लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करती हैं? आपको नहीं लगता कि ये बहुत ओल्ड फैशन मोनोटोनस तरीका हो गया है? देखिए, वो तो मैं सबसे पहले करती हूँ, उसके बाद आदमी को अकेले में अंधेरे में ढूंढती हूँ, फिर उसकी आसपास की चीजों को हिलाने लगती हूँ जी। उसके बाद सफेद साड़ी पहनकर उसकी खिड़की के बाहर दिखती हूँ। अगर वो फिर भी ना डरा तो मैं अपनी एक्सेसरीज का इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि ये लंबे लंबे दांत, ये नुकीले नाखून, कॉन्टैक्ट लेंस जी, और साउंड इफेक्ट्स। अगर वो फिर भी ना डरा तो फिर मैं समझ जाती हूँ कि ये मीडिया वाला ही होगा और मैं डर के भाग जाती हूँ। लेकिन आप पर तो आरोप है कि आप लोगों का खून भी पीती हैं। ये आरोप तो आप पर भी है जी। बहरहाल, आप ये बताइए कि आपकी निजी जिंदगी कैसी है, आप काम कैसे करती हैं, आपकी दिनचर्या क्या है? देखिए, हमारी तो रातचर्या होती है। रात के 12 बजे मैं सोके उठती हूँ, फिर मैं अपना मेकअप वेकअप करती हूँ, उसके बाद बॉम्बे से बाहर किसी हाईवे पे पहुंच जाती हूँ और वहाँ टांग दिखा के लोगों से लिफ्ट मांगती हूँ। जैसे ही कोई गाड़ी रोक के खिड़की नीचे करता है, उससे अपनी सेक्सी सी आवाज में पूछती हूँ, हाय हैंडसम, मुझे दोगे क्या लिफ्ट? उसके बाद उसकी गाड़ी में बैठ जाती हूँ और थोड़ी ही दूर पर अपना असली डरावना रूप दिखा देती हूँ और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से एक शरीफ आदमी की मौत हो जाती है? रात के 12 बजे लड़की की टांग देख के गाड़ी रोकने वाले को शरीफ नहीं कहते। एक बार मैं बुढ़ी बन के खड़ी रही थी, रात भर किसी ने लिफ्ट नहीं दी, रिक्शा करके वापस घर जाना पड़ा मुझे। इस दुनिया की जो टेलीविजन इंडस्ट्री थी, फिल्म इंडस्ट्री थी, इसमें आपकी वो तमन्नाएं अधूरी रह गई कि आपको नहीं लगता? जी नहीं, वो तो मैं अभी पूरी कर लेती हूँ किसी के भी बॉडी में अंदर घुस के। तुम्हें क्या लगता है मर्डर में मल्लिका शेरावत ने जो कुछ भी किया वो उसने किया? नहीं, वो मैं थी। और तो और, अवार्ड विनिंग फिल्म रॉक ऑन में अर्जुन रामपाल के अंदर भी मैं ही थी।
एक रियलिटी शो और आता है कॉमेडी सर्कस, उसमें आप किसके अंदर थी? तुम्हें क्या लगता है अर्चना पूरन सिंह इतना खुद ही हंस लेती थी? ये थी भूतनी प्रियंका सेन, भूत वर्ल्ड की मिस वर्ल्ड और एक सुपर मॉडल। इनकी दलीलें और इन पर आरोप लगाए गए, आज ये जानते जजेस कि उनका क्या फैसला है। इस इंटरव्यू पर आपके क्या व्यूज हैं शेखर? इतना डरावना परफॉर्मेंस, इतना सराहनीय परफॉर्मेंस, इतना असरदार परफॉर्मेंस कि खुशी के मारे सारा खून सूख गया। आप लोगों का प्रोजेक्शन वाज हॉरिफाइंगली फैंटास्टिक। थैंक यू। एंड आई एम गिविंग यू अ परफेक्ट 10। ऐसी ग्लैमरस चुड़ैल अगर रोड पे किसी को भी रोके, शरीफ आदमी भी रोक सकता है। मैं और शेखर जी भी शायद रुक जाएंगे रात को। आई थिंक फैबुलस परफॉर्मेंस। बहुत रेयरली हमने टीवी पे अजय शर्मा जी, जो रजत शर्मा जी हैं, उनको जवाब देते हुए किसी को सुना नहीं, लेकिन आपने जो दो तीन उनको मारे हैं वापस, आई थिंक स्क्रिप्ट वॉज एक्सलेंट, रन की कोई कमी नहीं है। Another perfect 10. Thank you, रोशनी, thank you, कुलदीप। ड्रैकुला भूत रहमान ले जा रहे हैं चुड़ैल रक्षंदा को अपनी पहली खूनी डेट पर। देखिए कैसी रही भूतों की ये रोमांटिक शाम इस भूतिया ग्रेवयार्ड में। प्रेजेंटिंग रक्षंदा रहमान। शैतान, न जाने वो कब आएगा, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। तुमने पुकारा रे हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। ओ, तुमने पुकारा रे हम चले आए। मैं कब से सोच रही थी कि मेरी इस वीरान सी जिंदगी में किसी सुनसान गली से किसी कब्र को चीर कर कब आएगा मेरा डरावना सा सपनों का राजकुमार। और मैं भी कब से इंतजार कर रहा था कि कब मेरी मुर्दा जिंदगी में आएगी वो हसीन डायन। दो गज जमीन के नीचे से या किसी किले की दीवार के पीछे से आकर मेरे भयानक सपनों को साकार करेगी। वाह 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 वाह, शैतान ने मेरी सुन ली। तुम कितनी खूबसूरत और डरावनी हो। तुम्हारा नाम अर्चना तो नहीं है ना? नहीं, मैं उसकी फर्स्ट कजिन हूँ। आज हमारी पहली डेट और तुम पहली ही डेट पे लेट। क्या करे, हम लोगों के नाम के आगे लेट लगा हुआ होता है ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? ये प्यारी सी क्रीम फियर एंड अगली। इसे लगाते ही तुम और भी डरावनी हो जाओगी। श्रुति को देती हूँ इस्तेमाल के लिए। अच्छा तो फिर चले डिनर पर? नहीं, अभी तो हमारी डेट शुरू हुई है। चलो पहले किसी डरावने बरगद के नीचे बैठ के डरावनी सी हरकत करते हैं। क्यों? क्योंकि हरकत में ही बरकत है। एक काम करते, वो जो नया वाला कब्रिस्तान खुला है ना, वहाँ चलते हैं। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, मैंने सुना है वहाँ के मुर्दे बड़े ठरकी हैं। वो कब्र की दीवार से कान लगा के सारी गंदी गंदी बातें सुन लेते हैं। क्या जमाना आ गया है, शैतानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। लेकिन तुम क्या चीज हो, आहा। अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी। तुम्हारे ये खूबसूरत लाल लाल होंठ, ऐसा लगता है कोई जिंदा इंसान का फेफड़ा खा के आ रही हो। सो स्वीट। कितना प्यार करती हूँ मुझसे। इतना करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान कैसे दोगे, तुम तो पहले से मरे हुए हो ना। अच्छा, मरने से याद आया, तुम कैसे मरी? चुल्लू भर पानी में डूबकर। कौन था वो? कैसे हुआ, बताओ जल्दी बताओ। वो जो हुआ वो बताने वाली नहीं, दिखाने वाली चीज है। कुछ और बात करते हैं ना। घर पे कौन कौन है? घर पे मेरा भाई आत्माराम,
मेरी बहन डायना और महंगाई में एक एक माँ बाप। ओह, बाप क्या करता है? बाप वो टीचर है, वो छोटे छोटे बच्चों को ना सुनसान गली के पीछे कब्रस्तान है ना, वहाँ डराने का ट्यूशन देता है। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरा बड़ा भाई है बब्बन सवेरा और छोटा भाई है बबलू डेंजर। ओ, और माँ बाप? हाँ है ना, माँ है लेकिन उसे ब्लड कैंसर है। कैसे हुआ? वो मेरे बाप का खून पीती थी और बाप को पहले से ही ब्लड कैंसर था। अच्छा, उनको कैसे हुआ? वो उन्होंने गलती से एक दिन ना एक पॉलिटिशियन का खून पी लिया। इसलिए एक बात बोलूं, तुम उसे शादी करोगी ना? Of course, why not? Something is better than nothing. लेकिन मुझे एक बात बता, मुझसे पहले तुम्हारा किसी भूतनी से चक्कर तो नहीं था ना? नहीं, अफेयर नहीं था, खाली एक इन्फैचुएशन था। एक वो जो ना वो कब्रस्तान के पास एक लड़की आती थी ना अपने डैडी की कब्र में फूल चढ़ाने के लिए, वो इंसानी औरत मुझे बहुत पसंद थी। मैंने तो एकदम शादी करने का भी डिसाइड कर लिया लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। क्यों? तुमको पता है हम लोग में इंटरकास्ट अलाउड नहीं है ना। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन डरो मत, हमारी शादी बड़ी धूमधाम से होगी, देखना। शादी में ना मैं इतनी आन बान और शान के साथ ना काली लंगड़ी घोड़ी पे आऊंगा तुम्हारे लिए। और हमारे खानदान वाले भी तुम्हारे स्वागत में ना कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, सब लोग मिलके गाएंगे। तेनु घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, तेनु दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के। अच्छा गाना है ना? बहुत अच्छा। गेस्ट लिस्ट सोची क्या? हाँ, सबसे पहले सामरी अंकल तो आएंगे है ना, पूरी राम से फैमिली आएगी। ओ, और एक VIP गेस्ट भी है। कौन? राम गोपाल वर्मा। उन्हें मत बुलाना, उन्हें हम लोगों ने बिरादरी से बाहर निकाल दिया है। एक साथ 5-5 फ्लॉप हॉरर फिल्में दी हैं। और जानते हो उनकी वजह से कितनी बेइज्जती होती है हमारी। भूतों को कोई सीरियसली नहीं लेता, कोई डरता भी नहीं है हमसे। आजकल का इंसान जब खुदा से नहीं डरता तो भूत से क्या डरेगा। बात है ना, तुम्हारी काफी एंटरटेनिंग है, हमारी शादी में एंटरटेनमेंट होगा क्या? मैंने काली हारी के रेगिस्तान से 1 करोड़ नर कंकाल बुलाए हैं जो चर्म रहित अस्त सहित नंग धड़ंग कोबरा डांस पेश करेंगे। रियली? गाना सोचा है क्या? बिल्कुल, बाबू बजा दो। अरे भूत राजा बाहर आजा, बाबा भूत राजा बाहर आजा, बजेगा तेरा बैंड बाजा, भूत राजा बाहर आजा। बताइए शेखर। आई एम श्योर इफ क्रिकेट इज अ हर्क्यूलियन टास्क देन कॉमेडी इज अ ड्रैक्यूलियन टास्क। मेहनत का काम है ये, और कहीं भी अगर आत्मा इधर उधर भटक गई और सुर इधर उधर गलत लग गया तो परेशानी हो जाती है। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा फिसल के थोड़ी डरावनी सी कॉमेडी हो रही थी, लेकिन कुल मिला के अच्छा था, मतलब असर अच्छा था। रक्षंदा, यू आर फैंटास्टिक। रहमान, आई एक्सपेक्टेड यू टू बी बेटर बिकॉज आपने अपना इतना ऊंचा मकाम बना लिया, तो वहाँ पहुँचने में आपको बहुत ज़्यादा और हमेशा कंसिस्टेंटली मेहनत करती रहनी पड़ेगी। बट यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर एंटरटेनर, लाइक टू गिव यू एन 8 पॉइंट। अजय, रहमान जी, जो आपसे एक्सपेक्टेड है या जो 2-10 नंबरी आज परफॉर्मेंसेज रही हैं उसमें थोड़ी सी कमी नजर आई, तो मेरी तरफ से 9 पॉइंट। थैंक यू रक्षंदा, थैंक यू रहमान। पर एक बात आप लोगों से जाने से पहले कहना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे भूत हमने पहले कभी नहीं देखे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस शो का भूत इतना अच्छा है तो इसका भविष्य भी अच्छा ही होगा। थैंक यू शेखर, थैंक यू रक्षंदा, थैंक यू रहमान। आपको क्या लगता है, भूत बड़े शैतान होते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती? तो ऐसा नहीं है। देखिए दो बूढ़े भूतों को जो अपनी दुख भरी दास्तान एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। आ रहे हैं भूत कामली और भूत राजबीर अपनी फैमिली मैटर्स को डिस्कस करने। प्रेजेंटिंग विनोद एंड राजबीर। हाय, लगता है नाइट वॉक के लिए कुछ ज़्यादा जल्दी आ गया मैं। वैसे लोग ठीक ही कहते हैं यार, शैतान का काम जल्दी का। अपनी पोड़ा पोड़ा पोड़ा, अपनी पोड़ा दन्ना ले, अपनी
अयो रामा मेरा गोस्ट, किधर था रे इतने दिन? हाय। और ये क्या हालत बना रखा है, कुछ लेता क्यों नहीं जी? ओ यार अब इस उम्र में कुछ लिया नहीं जाता। यो अयो यो अयो बस सोचता हूँ छोटे लड़के की शादी हो जाए ना तो बस मुक्ति मिल जाए। अयो तुम्हारा बहू का नाम मुक्ति जी? अबे नहीं मुझ आत्मा को मुक्ति मिल जाए। अच्छा मुझे ये बता यार तेरा बेटा जिंगा लाला कैसा है? जिंगा लाला? हाँ। जिंगा लाला ने परेशान कर दिया है जी। क्यों? बहुत जिद्दी रे, बहुत जिद्दी, खून नहीं पीता है। खाना माना खाता है? खाना तो नहीं खाता है जी, बोलता है कि खाऊंगा हाँ। तो खून पसीने की खाऊंगा। ओ बल्ले बल्ले। नहीं तो भूखा ही सो जाऊंगा। अभी खून तो ठीक है जी हाँ। लेकिन पसीना कहाँ से लेके आऊं जी? मेरा भी बेटा ऐसे ही करता था। अच्छा क्या करता? लेकिन अब तो इतना डरावना और खतरनाक हो गया ना कि दिन में चार बार अपनी माँ को ही डरा देता है। देखो हाँ, बोल मेरे को पता है हाँ। तू अपने लड़के के लिए हाँ। वो लड़के देखने गया था, उसका क्या हुआ? हाँ यार फोटो में तो वो बड़ी बदसूरत और डरावनी लग रही थी यार। जब मैं उसको देखने के लिए गया ना तो देखा इतनी सुंदर और इतनी सिंपल, मूड ही खराब हो गया यार मेरा। और तो और उसका एक भी दांत मुंह के बाहर नहीं था यार। अयो है उससे अच्छी तो तेरी बेटी परछाई है, कम से कम चार दांत मुंह के बाहर तो हैं। और ऊपर से इतने भिखमंगे निकले ना वो कमीनों ने, एक कप खून तक नहीं पूछा मुझे। तू बता अगर तेरी नजर में कोई मेरे लड़के के लिए भूत नहीं है? एक भूत नहीं है ना भाई, भूत सिंह की लड़की। अच्छा वो चीख बहुत चिकनी जी, चिकनी चिकनी है। चिकनी नहीं होगी, चीखनी होगी। और जानता हूँ मुझे चीख आए हाय। उसके साथ तो मैं शादी नहीं करूंगा उसकी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ऐसी लड़कियाँ शादी के लिए नहीं बनी होती, शादी के लिए तो ऐसी लड़कियाँ होती है। वैसे वो कौन है? श्रुति है यार। वो भूतनी नहीं लगती है? आओ यार आज मेकअप करके आई है ना। देखो तुम ज्यादा उसके बारे में मत बोलो। अच्छा मैं तो ये जडेजा ना बहुत बहुत मारेगा यार। एक बात बताइए जडेजा कौन है? तुम वापस बोला। अच्छा अरे तुम मरने के बाद भी नहीं उसको जानती रे बाबा, उसको ही बुला लो। आइए बाबा जी। आजा आजा भाई श्रुतिया। वैम्पायर्स कैसी लगी आपको ये भूतचीत, मेरा मतलब है बातचीत? शेखर विनोद तुम्हारी पोल तो यही खुल गई। राजवीर ने बहुत इसको संभालने की कोशिश की लेकिन अकेला भूत क्या करेगा, यू नो। 7 पॉइंट अजय। राजवीर अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अगर वहां से बाउंस नहीं कर रही बॉल वापस तो वो शॉट खेल ही नहीं पा रही। वो कह रही है कि मार तो सही कुछ। तो ये तो फिर भी यहाँ तो 7 नंबर शेखर जी ने दिए तो मैं भी 7 दे देता हूँ। 7 पॉइंट। थैंक यू राजवीर, थैंक यू विनोद। बारी है अब हॉरर कॉमेडी के एक्स्ट्रा शॉट्स की। फिल्मों के फेमस कॉमेडियन महमूद और वो कैंडल लाइट दिखा दिखा कर डराने वाली नूरी मरकर आ रहे हैं इसी ग्रेवयार्ड में। तो आइए देखते हैं कि इन ताजा भूतों की गुमनाम कहानी क्या है। प्रेजेंटिंग वीआईपी एंड प्रिंस। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, ये चाइना का माल भी ना। आई टेल यू। हाँ ठीक है, तो मैं कहाँ गा रही थी? हाँ यहाँ गा रही थी। किसी को खबर कौन है वो बदनाम। ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में
ड्रामा खा भाग रही थू मैं। ताले सुन रहे क्या? हम ताले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम ताले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम ताले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम ताले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। आए नई नवेली हाँ? क्या खरी तू मेरी हवेली? ए, काले आलू मैं नूरी हूँ। नूरी हाँ? तो काय को इतनी दूरी? जरा नजदीक का दो चार पप्पी दे। कर दे मेरी हसरत पूरी। सड़े हुए केले के छिलके, मैं उस टाइप की नूरी नहीं हूँ। तो ये टॉर्च लेके क्या मेरे को टॉर्चर करने के लिए आई तू? मोमबत्ती कौन चलाए? वैसे भी जब मैं मोमबत्ती जलाकर निकलती थी, कोई मनचला मुआ उसे फूंक मार के हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के चला जाता था। उससे तो ये चाइना का माल ही अच्छा ना? माल तो अच्छा है, लेकिन ये चाइनीज लगता नहीं है। अबे मैं अपनी नहीं टॉर्च की बात कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा? हाँ। तो यहाँ क्या मेरा खात्मा करने के लिए आई ना तुम? तू है कौन? मैं भी भूत हूँ। पर तू भूतनी का लगता तो नहीं है मुझे। शक्ल पे लोग को जा मेरे, शक्ल से तो विनोद कामले भी क्रिकेटर नहीं लगता। और मैं शक्ल से क्या लगती हूँ? तू तो पटाखा लगती रे, पटाखा। आई मैं मर जावा। मर जावा से याद आया, तू मरी कैसे रे? मैं एक औरत के पेट से जन्मी। मैं जन्म के लिए मरने की बात कर रहा हूँ? पहले पूरी तरह जन्म तो हो लेने थे भूतनी के। तो मैं कहाँ थी? तू एक औरत के पेट में थी। हाँ, तो मैं एक औरत के पेट से जन्मी। जब मैं पैदा हुई, नर्स के हाथों से फर्श पर गिर गई। ऐसे मरी तू? नहीं, मैं टप्पा खा के वापस नर्स के हाथों में आ गई। इस स्प्रिंग के साथ में पैदा हुई थी क्या, जो टप्पा खा के वापस गोद में चली गई? जब मैं 35 साल की जवान हुई। 35 साल की जवान? हाँ। तो इन्हें 300 साल में मरी होगी भाई। बात तो सुन। हाँ। जब मैंने अपनी जवानी के 35वें साल में कदम रखा। हाँ। तो डाकुओं ने मेरे घर में कदम रखा और मेरे घर का सारा सामान भी लूट लिया। सामान भी लूट लिया मतलब? हाँ, वो इज्जत तो अंडरस्टूड है ना। हाँ। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। क्या बोली? हाँ। जरा मुंह तो दिखा दे रहा। सच मुझ तो वाक्य में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। आगे क्या बोलूं भाई? अरे मेरी मौत के बारे में वो वो हाँ। वो कौन? विनोद कामली। इन्हें मारा तेरे को? नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। मैं कॉमेडी सर्कस 2020 देख रही थी, कामली का एक्ट देखा कॉमेडी का, मैं हैरत से मर गई। ये बता तू कैसे मरा? तू नीचे वाले को पूछ रही तो ऊपर वाले को पूछ रही है? क्योंकि ये कौन बोला? ये मैं बोला। ओह माय गॉड, नो, आई स्वेयर ऑन यू। अरे रुको भाई, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं दो मुंडी वाला भूत हूँ। नीचे वाला रात को काम करता है और ऊपर वाला दिन को काम करता है। और तुम लोग मरे कैसे? बहुत लंबी कहानी है ये, एक रात की बात है। दोपहर के 3 बजे थे, मैं अपने टांगे से जा रहा था। हाँ? सामने से टांगों वाली आ रही थी। कौन थी वो? मैं अभी मिला कहा हूँ, पूरी सुनना। हाँ हाँ। उन्हें मेरे टांगे में बैठी। हाँ? टांगा शुरू होता है। हाँ। टायर पंचर? नहीं, हवेली आ गई। अच्छा। हवेली आ गई। हाँ? जो मेरे पिच्छू बैठी थी। हाँ? वो उतरी। हाँ?
बिना पैसे दिए सीधा हवेली में घुस गई। तो तू भी लेने घुस गया? क्या? किराया? हाँ। फिर देखा सामने हवेली का बड़ा दरवाजा। फिर दूसरा वाला दरवाजा। फिर मैं अंदर गया। हाँ। अंदर देखा मैं। हाँ। बिल्ली भौंक रही थी। लेकिन ये तो बिल्ली की आवाज नहीं है। मेरे को बिल्ली का साउंड नहीं आता ना भाई। फिर क्या हुआ आगे? बिल्कुल सही बोली। हाँ। उन्हें मेरे आगे। हाँ। मैं उसके पिछू। हाँ। वो मेरे आगे। हाँ। मैं उसके पिछू। हाँ, फिर क्या? हाँ। मैं आहिस्ता से। हाँ। हल्लों से। हाँ। अपने हाथों को लेके। हाँ। उसके शोल्डर पे रखा। शोल्डर पे? हाँ। मैं बोला खटखटाया ठक ठुक ठुक। हाँ। उन्हें पलटी। हाँ। मैं देखा। हाँ। अरे वो चुड़ैल नहीं थी भाई। हाँ। उन्हें मेरी जोरू थी, मेरी बीवी थी वो। अबे आओ चलूंगा। ये बीवी नहीं है, ये सोनी टीवी है। तो इसको बुलाना, ये चुड़ैल कौन बैठी है? इधर बैठी है। आजा मेरे गले लग जा, कलर लग जाएगा। बहुत फैंटास्टिक। VIP, you are truly, truly a genius. Thank you. Truly a genius. Thank you, thank you. For the life of me, I could never figure out and he knew it. मैंने कहा ये कैसा मास्क है जो ब्रीथ कर रहा है और आगे पीछे जा रहा है. मेरे लिए इतना बड़ा ये सरप्राइज था. This was actually a truly a horror suspense film for me. Because वो suspense last में खुला कि इसकी टोन थी. बहुत बढ़िया किया तुमने VIP. बहुत 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 बढ़िया. अजय, मुझे लगता है इनका कंपटीशन ही नहीं कोई. वीआईपी साहब, आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है. आई थिंक आपके परफॉर्मेंस के लिए दो हाथ कम है. जैसे आपके चार हैं, शायद चार हाथ चाहिए. थैंक यू वीआईपी, थैंक यू प्रिंस. यहाँ डरना मना है पर हंसना दवा है, और उसी हंसी को आगे बढ़ाने आ रहे हैं प्रिंस अपना लाइव फोन कॉल लेकर. तो आज फिर एक बेचारी की बारी. सो ओवर टू यू प्रिंस. थैंक यू. हेलो. हेलो जी, सरोज जी बोल रही हैं? हाँ जी. जी नमस्ते, मैं राजेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ डोर टू डोर फिल्म से. जी. दिस वाज रिगार्डिंग अ फिल्म जो फ्लोर्स पर जा रही है अगस्त में. ये एक एक्शन ड्रामा कॉमेडी फिल्म है जिसमें ज्यादा एक्शन होगा. मैं चाहता था कि मतलब जो कोरियोग्राफी है इट शुड बी एक्शन बेस्ड. मतलब ओके. हाँ, मतलब डांस भी हो और ड्रामा भी हो लेकिन फाइट सिक्वेंसेज इंक्लूसिव हो. तो आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता. आप जैसा कहें. तो कोई ऐसे डांस फॉर्म्स इंक्लूडिंग मार्शल आर्ट्स कोई आपके जहन में है, आपके दिमाग में है कोई? मतलब जो आप नया यू नो कुछ नयापन इसमें आप ला सकें. ओके, आई विल वर्क ऑन इट. नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू वर्क ऑन इट. आप उस राह पर नहीं चलिए. आप सिर्फ गाइड कीजिए उन एक्टर्स को और एक्ट्रेसेस को. हाँ, तो भी कोरियोग्राफी तो मेरी होगी ना. नहीं, कोरिया नहीं, दैट इज वो ठीक है. लोकेशन इट्स बेसिक. नहीं नहीं, कोरियोग्राफी मेरी होगी ना. नहीं, कोरिया की कोई मतलब वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है लेकिन वी वोंट बी ट्रैवलिंग सो फार. एक भांगड़ा सीक्वेंस शूट होगा विच विल बी इन द साउथ. चलेगा. अच्छा, भांगड़ा हैज टू बी मिक्स्ड विद समथिंग न्यू, समथिंग लाइक साल्सा. सो मे बी वी कैन कॉल इट अ भालसा. तो ठीक है, अगले मंगलवार को, मंगल का दिन है, शुभ दिन है, सीधे सिद्धि विनायक मंदिर के सामने. डन. और प्रिंस के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां. थैंक यू, थैंक यू प्रिंस, थैंक यू. वक्त आ गया है इस स्पाइन चिलिंग और रिप टिकलिंग शाम को खत्म करने का. लेकिन हॉरर की इस कॉमेडी के बाद अब बारी है कुछ सस्पेंस की. तो कौन है आज की जोड़ी ऑफ द मैच? ये जानने के लिए मैं हमारी सारी भूतिया जोड़ी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी. आइए. हमारी चारों भूतिया जोड़ी के लिए जोरदार तालियां.
तो आज के हॉरर स्पेशल की जोड़ी ऑफ द मैच है राजा निगार. कांग्रेचुलेशंस.